أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सारे अहलुल कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आज फिर हम अल्लाह की तौफीक से, उसके करम से इस महफिल में हाजिर हुए। और जितना हम अपनी माओं के बारे में पढ़ते जाते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे हम तो बड़े ही गाफिल, बड़े ही जाहिल, पता नहीं कौन सी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिनको जानने की ज़रूरत थी उनको जानते ही नहीं, और जिनको जानना नहीं चाहिए था उनको बहुत जानते हैं। इत्तेफाक़ हुआ मेरा मरी जाने का, और जाते हुए मैं देख रही थी अल्लाह की कुदरत के नज़ारे। दरख्त पूरे एक साइड पर झुके हुए थे और पूरा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सजदा कर रही। और दिल में अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बड़ाई तो आई, लेकिन शर्म भी बहुत आई कि ये नॉन लिविंग थिंग होके अल्लाह के हजूर सजदा कर रहे हैं, और मैं एक जीती जागती इंसान होते हुए, अक्लो शऊर रखते हुए, अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हुए भी उसकी नाफरमानी के काम किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, और क्यों लोग क्या कहें। 90% जितने मेरी लोगों से मुलाकात होती है या डिस्कशन होती है, सबके अंदर खैर छुपी हुई है, लेकिन हम गलत रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, या मैं पीछे रह जाऊंगी। और जो सही रास्ता है सिर्फ इसलिए मैं छोड़े जा रही हूँ क्योंकि शायद मुझे इस बात का पूरा यकीन ही नहीं है कि मुझे अपने अल्लाह से मिलना है। क्योंकि जब मुलाकात का 100% यकीन हो तो शर्मिंदगी और डर साथ साथ रहता है कि ठीक है मैं ऐसा काम कर लेती हूँ जो मेरे दिल को बड़ा पसंद है, जो मेरे नफ्स को बड़ा पसंद है, जो मुझे बहुत लज्जत देगा, मज़ा मुझे बहुत आएगा, फन होगा, लेकिन जब उस दिन मैं अल्लाह के सामने पेश की जाऊंगी तो मैं अपनी माओं को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या मेरी आंखें उठ भी सकेंगी? क्या मेरा कैरेक्टर ऐसा होगा कि मेरा सर उठ ही सकेगा? और यकीन जाने बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। इतनी शर्मसारी होती है अपने गुनाहों पे, इतनी शर्मसारी होती है उन तमाम जाहिलियत के दिनों में जो गफलत में गुजर गए। और फिर शुक्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मरने से पहले अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने एक मौका तो दे दिया है। ओके, नाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर ऐसे ही मर जाती तो, और अगर एक मौका मिल गया है तो इसको संभालना, इसकी शुक्रगुजार रहना, इसको संभाल के रखना, और हर हर कदम पे डरते रहना कि एक दिन मुझे अपने खालिक हकीकी से मिलना है। सिर्फ ये एक चीज है जो आपको गलत कामों से रोक लेगी, वरना कुछ भी नहीं। भेड़ चाल, भेड़ों को देखें ना, अगर चलते हैं झुंड में, चले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो दूसरे भी उसके पीछे चले गए, दूसरे भी चले गए, क्योंकि वो इंसान ही, उन्हें सोचने समझने की ताकत नहीं है। लेकिन आज हम भी वैसे ही बन गए। चलना था अपनी माओं के पीछे, चल पड़े सो कॉल्ड नामवर लोगों के पीछे, सो कॉल्ड मशहूर पर्सनैलिटीज के पीछे, सेलिब्रिटीज के पीछे, और ये भूल गए कि जब उस दिन अपने खुदा से मिलूंगी तो असल सेलिब्रिटी जो होंगे, क्या मैं उनके साथ खड़ी होंगी या उनको जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ उनके साथ? और बड़े अफसोस के साथ 90% ऑफ अस डोंट नो अबाउट आर मदर्स। हमें अपनी माओ का नहीं पढ़ा, और जितना पढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे दरवाजे, ऐसे ऐसे बंद खिड़कियां खुल रही हैं, इतनी शर्म आती है और शुक्रगुजारी भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह पर यह भी महसूस होता है कि हमारे पास तो नेमतें नेवर एंडिंग है, हम तो इंजॉय कर रहे हैं, हम तो एक बहुत लग्जरी वाली लाइफ गुजार रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम अपनी जिस माँ के बारे में पढ़ेंगे, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज जानेंगे वो कौन थी, वो कैसी थी, हमारी माँ ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, और हमने उनसे क्या क्या सीखना है।
रब्बी श्राहली सौदरी वयसली अमरी वाहलुल उगदतम मिल लिसानी यफकहू कौली रब्बी जिदना इल्मा अल्लाहुम्मा फक्कहना फिद्दीन अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्री नफ्सी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أم سلمى إنكا نام تھا هند نام تھا إنكا هند اور أم سلمى کیا تھی ان کی कुनियत क्या कहते हैं कहते हैं माँ को सलमा की माँ और 90% लोगों को नाम भी नहीं पता इनका क्योंकि उम्मे सलमा के नाम से ये मशहूर थी इनके वालिद का नाम था अबू उमैया इनकी अगर हम सिलसिला नस्ब को देखें तो इनका सिलसिला नस्ब है हिंद बिनते अबू उमैया सुहेल बिन मुगैरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम इनकी वालिदा जो थी वो बनू फरास के कबीले से ताल्लुक रखती थी और उनका नाम था आतिका वालिद का नाम था अबू उमैया वालिदा का नाम था आतिका और हमारी माँ उम्मे सलमा का नाम क्या था हिंद उनका नाम क्या था हिंद और उम्मे सलमा क्यों कहते थे क्योंकि वो उनके जो पहली औलाद थी उनका नाम था सलमा सलमा की माँ क्योंकि कुनियत बहुत मशहूर थी अरबों में तो कुनियत से पुकारा जाता था इनका ओरिजिनल नेम था हिंद इनके जो वालिद थे वो बहुत मशहूर मुखीर और फयाज शख्स थे बहुत ज्यादा रिच थे और कहा जाता है कि सफर में जाते थे तो तमाम काफले वालों की किफालत खुद करते थे यानी उनका नानो नुफका खाना पीना खर्च चीजें प्रोवाइड करना वो सब खुद करते थे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने रिच थे कितने वो अमीर थे और अमीरी के साथ साथ ये नहीं था कि सब कुछ खुद पे स्पेंड करना है बल्कि अपने साथ वालों का ख्याल रखते थे इसकी वजह से इनका लकब था जादुल राकिब जादुल राकिब इनके वालिद अबू उमैया का लकब था और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेके पैदा हुई थी जब वालिद इतने रिच थे कि काफले लेके जा रहे हैं और लोगों पे स्पेंड कर रहे हैं तो सोचिए कि अपनी औलाद पे कितना स्पेंड करते होंगे और कितने रिच होंगे और बड़े नाज और नखरे से पली थी हमारी प्यारी माँ उम्मे सलमा सईदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह इनके चचा साद भाई अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से हुआ चचा के बेटे थे जिनका नाम क्या था अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद जो अबू सलमा के नाम से मशहूर थे अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को हम जानते हैं हिजरत करने वालों में थे बहुत मशहूर सहाबी हैं इनका ओरिजिनल नेम क्या था अब्दुल्ला लेकिन ये अबू सलमा सलमा के अबू और उम्मे सलमा सलमा की अम्मी ये लोग इस तरह मशहूर थे अबू सलमा और उम्मे सलमा इनकी और अबू सलमा की एक और खासियत वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई थे रजाई भाई कौन होता है यानी उनकी रजात दूध उन्होंने एक ही माँ से पिया था तो रजाई भाई थे अबू सलमा और उम्मे सलमा से चार औलादे थी इनकी दो इनके बेटे थे और दो बेटियां थी दो लड़कों के नाम थे सलमा पहले लड़के का नाम जिससे उनकी कुनियत है अबू सलमा और उम्मे सलमा और उसके बाद उमर बेटों के क्या नाम है सलमा और उमर और दो लड़कियां थी जिनमें से एक का नाम था दुर्रा और एक का नाम था जैनब तो जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम क्या था हिंद अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम क्या था अब्दुल्ला ये किसकी चचाजात थे उनके आप सल्लम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे अबू सलमा रजाई भाई अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो और उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कितनी औलादे थी चार जिनमें से दो लड़के थे और दो लड़के दो लड़कों के नाम थे सलमा और उमर और लड़कियों के नाम थे दुर्रा और जैनब
इनका ताल्लुक जो हमारी माँ है उम्मे सलमा रज़ीला ताला अन्हा, इनका ताल्लुक बनू मखजूम से था। कुरैश का मशहूर खानदान था बनू मखजूम, इनसे इनका ताल्लुक था। इन्होंने अबू सलमा और उम्मे सलमा ने ये पहले 10 अफराद में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और ये दोनों मियाँ बीवी अस्साबिकून अल अव्वलून में से थे, यानी सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले। और जो सबसे पहले किसी भी चीज़ में ऐड होता है वो उसके पाइनियर्स में से होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में से होता है, तो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। पहली हिजरत जो कि मक्का से हबशा की तरफ हुई, इसके जाबाज़ महाजिरों में से हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल असद थे और उनकी अहलिया उम्मे सलमा बिनते अबी उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? जब ये हबशा की तरफ हिजरत कर गईं तो उन्होंने वहाँ पे कयाम के वाकयात, यानी जब वो वहाँ ठहरी और वहाँ जो जो वाकयात हुए, समाजी माशी और दीनी अहवाल, नजाशी का हुस्न सलूक और हबशा के बाशिंदों के रवैये और रुझानात, यहाँ तक के सियासी और जंगी मामलात के मुशाहिदात नहायत खुश असलूबी से बयान किए। जब वापस आई, जब तारीख इकट्ठी होना शुरू हुई, तो कोई तो विटनेस चाहिए था ना जो बताता कि वहां पे ये हुआ था, हबशा में गए तो वहां पे ऐसे लोग रहते थे, उनका समाज ऐसा था, उनमें माशरत ऐसी थी, तो इसका मतलब है ये बहुत वेल एजुकेटेड थी, बयान करने में इनमें बहुत इनमें ग्रिप थी। तो वहां के नजाशी कैसा हुक्मरान था, सियासी माहौल क्या थे, जंगी मामलात कैसे थे, ये इन्होंने वापस आके बहुत अच्छे तरीके से बयान किए और कलम बंद कराए। इस्लामी तारीख में हबशा के महाजराना जिंदगी की तफसीलात हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से दर्ज हुई, और सबसे कीमती समझी जाती थी इनकी राय, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करती थी और बहुत एग्जैक्ट और डायरेक्ट इनका तर्ज बयान था। दूसरी हिजरत जो मक्का से मदीना की तरफ हुई, इसमें भी इस मोहतरम खानदान ने सबकत ले ली। जब पहली हिजरत हबशा हुई तब भी ये दोनों मियाँ बीवी वहां पे हिजरत करके गए, इन्होंने हबशा की तरफ 2 मर्तबा हिजरत की थी, ठीक है। फिर दूसरी जब हिजरत हुई हमारी हबशा से मदीना की तरफ, तो ये वो लोग थे जो सबसे पहले हिजरत करके गए, यानी इस्लाम की बुनियादों में इनका खून था। इस्लाम की सख्ती का वक्त, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वक्त देखा तब ये लोग इसमें थे। दूसरी हिजरत जो मक्का से मदीना की तरफ हुई, इसमें भी इन मोहतरम खानदान ने सबकत ली। जब किसी को बंदा काम कहता है ना, एक बंदे को काम कह रही है, अम्मी कह रही है एक गिलास पानी ला दो, बंदा कहता है, बेटा कहता है अच्छा मैं काम कर रहा हूँ अभी लेकर आता हूँ, फिर अम्मी कहती है पानी ला दो, कहता है अच्छा उठता हूँ अभी लेकर आता हूँ, कहता है जब काम खत्म होता है तो लेकर आता हूँ, तो माँ को प्यार आएगा गुस्सा, और क्या कहेगी, रहने दो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और एक बच्चा है, माँ ने सिर्फ कहना है बेटा पानी लिया, दौड़ के जाएगा, भाग के लेकर आ जाएगा, तो उस पर क्या कैफियत होगी माँ की, सदके वारी जाएगी ना। अल्लाह सुबहान तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दीन इस्लाम हम तक पहुंचाया, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। कुछ लोग जिन्होंने सुना और मान लिया, सुना और उन्होंने कहा सहमेना व आताना, हमने सुना और हमने मान लिया, तो जिन्होंने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया, अल्लाह सुबहान तआला को कितना प्यार आया होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उस वक्त खड़े हुए उनसे कितनी कुर्बत होगी, मोहब्बत होती है, जो शुरू के लोग होते ना कहते पुराने लोगों से वैसी मोहब्बत होती है, तो ऐसी मोहब्बत थी इनके बीच में। और दोनों मियाँ बीवी साथ थे, और बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर दोनों मियाँ बीवी दीन इस्लाम की राह पे हों तो घराने में कितनी मजबूती होगी, दुख सुख आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ चलते जाएंगे। ये खानदान जो था वो सबकत ले जाने वालों में से था, और सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी चाहिए, हमारी माँ हर काम में सबकत ले जाती थी, पहले पहले कर लेती थी, अच्छे कामों में नेकी में बढ़ चढ़ के करती थी, तो हमें सोचना चाहिए कोई अगर बड़ा आपको कोई काम कहता है, कोई भी बड़ा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप जॉब पे हैं या नहीं है, या आप घर में हैं या आप कहीं भी हैं, कोई बड़ा आपको काम कहता है, अभी सोचे हाँ बार बार मुझे काम कह देती है, हर वक्त मुझे काम कहती रहती है, मैं कोई नौकर लगी हूँ, ये मुझे पता नहीं क्या समझती है काम कहती है, ये शैतान के वसवसे हैं जो आना शुरू हो गए। ठीक, दूसरा क्या है, मैं तो नेकी का मांगू पानी मांगा, मैं भाग के जाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी, मैं 10 नेकियां कमा रही हूँ। दोनों अप्रोच में कितना फर्क है, एक आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है जिसमें चिड़चिड़ापन भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, दिल भी नहीं करेगा कि आप कोई काम करें,
दूसरी अप्रोच क्या है, जब आखिरत पे मेरी नजर है और मेरा एम है कि सिर्फ मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, तो मैं बड़बड़ के काम भी कर रही हूँ, मुझे नौकर भी नहीं लग रहा अपना आप, तब तो मैं कह रही हूँ कि मैं हर तरह से अल्लाह की मखलूक की मदद करूँ, उसके लिए आसानियां करूँ, तो कौन सी अप्रोच अच्छी है, पहली या दूसरी? और हमने कैसा बनना है? अपनी माँ जैसा नेकियों में सबकत करने वाला। किसी भी जगह होगे अगर तुम लोग नेकियों में सबकत करोगे और भाग भाग के अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की मखलूक की मदद करोगे, तो अल्लाह सुबहानो ताला को अपने बंदों पे प्यार नहीं आएगा, वो जो हर वक्त हमें देख रहा है, और शैतान क्या कहेगा, अपने सर पे खाक डालेगा, भाई इस पे तो असर नहीं हो रहा, इसको तो इज्जत बेइज्जती का असर ही नहीं हो रहा, इसको मैं दिमाग में एक दफा जरूर डालेगा, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, या तुम लेट डाउन की जा रही हो, या तुम कोई नौकर लगी हो। लेकिन जब हम इसको झटक देंगे, तो हम अच्छे काम करेंगे, तो हम किसकी तरह होंगे, इंशाल्लाह अपनी माँ की तरह। मदीना की तरफ हिजरत का मामला हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहायत पुर आशोब और अलमनाक था, और इनकी हिजरत का वाकया जब सुनेंगे आप, तो जरा बड़े गौर से सुनिएगा, दिल पे हाथ पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों को छोड़ना, अपने मियाँ को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना, अपने इलाके को छोड़ना, और फिर एक नई जगह जाना, और साथ से आपके सारा कुछ छिन जाए। तो खुद ये बयान फरमाती हैं, जब मेरे शोहर अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने जाने लगे, तो मैं भी इनके साथ अपने बच्चे सलमा को गोद में लेकर निकली। तीन लोग हैं, अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और औलाद सलमा। ठीक, तीन लोग हैं, हिजरत का हुक्म आ गया, वहां से भी बड़ी मुश्किल हालात में निकले थे, छुप के निकले थे, ये नहीं कि ऐसे ही निकल गए थे, तो वहां से वो निकले हैं, तीन लोग हैं। अब तीनों को एक दूसरे का सहारा है, बच्चे को तो पता ही नहीं, खैर मियां बीवी को एक दूसरे का सहारा है, वो वहां से निकल गए। वो मुझे और मेरे बच्चे को ऊंट पर बिठा कर इसकी नकेल थामे हुए चल पड़े। और आजकल की तरह का सफर नहीं था कि बैग पैक हुए हुए हैं, 10 दिन के कपड़े भी रखे हुए हैं, खाने का सामान भी रखा हुआ है, कुछ पास नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चा। वो मुझे और मेरे बच्चे को ऊंट पर बिठाकर इसकी नकेल थामे हुए चल पड़े। मेरे मैके के लोगों ने इन्हें जाते हुए देख लिया। किसने देख लिया? उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर वालों ने, उन्होंने जाते हुए देख लिया। वो दौड़ते हुए आए और रास्ता रोककर खड़े हो गए और कहने लगे, तुम तो हमारे काबू से बाहर हो गए हो, तुम्हारा जहां जी चाहे जाओ, मगर हम अपनी इस लड़की को तुम्हारे साथ जगह जगह मारी मारी फिरने के लिए नहीं छोड़ सकते। कुछ कुछ बातें जहन में आ रही है अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों के बारे में। ये कहकर उन्होंने ऊंट की नकेल अबू सलमा रजीला ताला अनहो से छीन ली और मुझे वापस ले चले। इतने में अबू सलमा रजीला ताला अनहो के खानदान के लोग भी पहुंच गए। वो बिगड़ कर बोले, जब तुमने अपनी लड़की को हमारे आदमी से छीन लिया, तो हम अपने बच्चे सलमा को क्यों इसके पास रहने दें? चुनाचे उन्होंने मेरे बेटे सलमा को मुझसे जबरदस्ती छीन लिया और छीना झपटी में इसका हाथ भी उतर गया। मौरखीन बयान करते हैं कि इस बच्चे का ये हाथ मरते दम तक उतरा रहा। और आज भी खानदानों में यही तमाशे लगे रहते हैं, मेरी बेटी के साथ ये कर दिया है, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। एक रूल याद रखें, जब मियां बीवी राजी है ना, तो तीसरे बंदे को तो पहली बात है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और आगे आप लोग जाके आप लोगों की आगे शादियां होंगी। अगर आप लोग अपने हस्बैंड के साथ राजी हैं और खुशी से रह रहे हैं, तीसरे किसी बंदे का काम नहीं है कि वो आके बीच में आपको कोई भी वरगलाए या पे अपना हुक्म चलाए। अब हाल ये था कि बच्चे को वो ले गए, बच्चे को कौन ले गए? अबू सलमा रजीला ताला अनहो के घर वाले यानी दाद के, और उम्मे सलमा रजीला ताला अनहा कहाँ चली गई? अपने मैके, और मेरे मैके वालों ने मुझे अपने हाँ ले जाकर बंद कर दिया, और अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो बेचारे तन तनहा महीना की मदीना की तरफ रवाना हो गए। पूरी फैमिली तोड़ दी, और तोड़ी किसने? लोगों ने। और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो बहुत दफा लोग नहीं फैमिली तोड़े होते। बहुत ज्यादा फ्री मशवरे देने का, फ्री बातों में घुसने का हमें शौक है, लेकिन याद रखें कि अगर फ्री में किसी का भी घर आपने बर्बाद करवाया, बड़ा सख्त आपसे पूछोगी उस दिन। तकरीबन एक साल तक मेरा ये मामूल था कि रोजाना निकलकर मकामे अब्ता में जा बैठती, जहां मैं अपने खावंद अबू सलमा से जुदा कर दी गई, वहां आहें भरती और आंसू बहाती,
एक दिन मेरे खानदान के एक आदमी ने मुझे इस हालते जार में देख लिया। मेरी बेचैनी और बेकरारी की इस कैफियत पर इसे तरस आ गया। रो रही है, 1 साल तक रोज उस मकाम पे जाती, मकाम अबता पे, और जाके बैठ जाती और रोती रहती। और किसके प्रेशर में? घर वालों के प्रेशर में, जबरदस्ती उन्हें रोका गया था। और रोती रहती, और खानदान के एक आदमी ने जब देखा उसे तरस आ गया। इसने खानदान वालों से कहा, इस बेचारी मस्कीन को क्यों नहीं जाने देते? तुमने इसके शोहर से भी जुदा कर दिया और बच्चे से भी। आखिरकार मैके वालों ने कहा, अगर तू अपने शोहर के पास जाना चाहती है तो चली जा, मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा बच्चा मुझे दे दिया। लेकिन कितनी तकलीफ जा रही। एक तकलीफ थी, जुल्म था जो मुसलमान होने की वजह से हमारी माँ ने झेला। और जज्बाती तौर पे औरत बहुत कमजोर होती है मर्द के कंपैरेटिवली। मियाँ अलैदा कर दिया, बच्चा ले लिया, तो 1 साल तक हमारी माँ तकलीफ में मुब्तिला रही। जब हमारी माँ इतनी तकलीफों से गुजरी तो आज हमारी तकलीफ में तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। आखिरकार मैके वालों ने भी कहा, अगर तू अपने शोहर के पास जाना चाहती है तो चली जा, मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा बच्चा मुझे दे दिया। मैं बच्चे को लिए हुए अकेली ऊंट पर सवार होकर मदीने की तरफ चल पड़ी। थोड़ी दूर ही गई थी कि कबीला कुरैश के खानदान बनू अब्दुलदार के उस्मान बिन तलहा रास्ते में मिले। मुझे देखकर बोले, अबू उमैया की बेटी किधर जा रही हो? मैंने कहा, मैं अपने शौहर के पास मदीना जा रही हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है? अब जरा देखिएगा, दोनों गैरतमंद खानदान जिन्होंने शौहर को अलैदा किया, बीवी को अलैदा किया, गैरत में आके बच्चे को भी अलैदा कर लिया, और बाद में कह रहे चली जाओ और कोई छोड़ने नहीं आया। और खानदानों की गैरत इतनी ही होती है, जज्बात में आके अलैदा कर दिया है। अगर इतनी ही गैरत थी, इतना ही ख्याल था, तो दोनों खानदानों में से किसी को चाहिए नहीं था कि साथ जाते। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें यही होता है, बात गर्म हो ना सारे उसमें अपने हाथ सेक लेते हैं, बाद में कोई पास नहीं। अकेली जा रही है और रास्ते में कौन मिला? अब्दुलदार के उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये वो थे जिनके पास बाद में काबे की चाबियां थी। और नेकी के सबब अल्लाह ताला इस्लाम कैसे दे देता है ये देखिएगा। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं जा रहा? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इस बच्चे के सिवा मेरे साथ कोई नहीं। और मेरी प्यारी बच्चियों और बहनों, याद रखो, हकीकतन अल्लाह के सिवा हमारे साथ कोई नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में हमारे सहारे बनाए हैं, हमारे माँ बाप है, बहन भाई हैं, इंशाल्लाह आपके शोहर होंगे जिनके हैं, आगे औलाद होगी, लेकिन रियलिटी में मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। जब मैं इस दुनिया में नहीं थी तब भी मेरे साथ अल्लाह था, मैं इस दुनिया में आई मेरे साथ अल्लाह है, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तब भी तो सिर्फ अल्लाह ही मेरे साथ होगा। और मेरी माँ का जवाब कितनी रियलिस्टिक है कि इस बच्चे और अल्लाह के सिवा मेरे साथ कोई नहीं है। इस पर वो बोले, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें तन्हा नहीं जाने दूंगा। फिर वो मेरे ऊंट की नकेल थाम कर चलने लगे। अल्लाह की कसम मैंने इससे ज्यादा शरीफ आदमी नहीं देखा। जब वो किसी मंजिल पर पहुंचते तो मेरे ऊंट को बिठाकर अलग हटकर खड़े हो जाते। मैं बच्चे को लेकर जब उतर जाती तो वो ऊंट को किसी दरख्त से बांध देते और मुझसे दूर जाकर किसी दरख्त के नीचे जा लेटते। जब चलने का वक्त आता तो वो ऊंट को लाकर बिठाते और खुद दूर खड़े होकर मुझसे कहते, सवार हो जाओ। मेरे सवार होने के बाद वो ऊंट की नकेल थाम कर रवाना हो जाते। मदीने तक सारा रास्ता उन्होंने इसी तरह तय किया। और जब कुबा में बनू औफ की बस्ती नजर आई तो मुझसे कहा कि तुम्हारे शोहर वहां हैं, इनके पास चली जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। इसके बाद जिस तरह वो पैदल आए थे इसी तरह पैदल मक्का वापस चले गए। और कहते हैं इनकी इस वजह से अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम दिया। कभी भी की गई नेकी जो है ना, वो कभी भी खाली नहीं जाती, वो किसी ना किसी टाइम आपको रीपे जरूर करेगी। और कितने शरीफ थे, सिर्फ औरत का ख्याल। हमारे खानदान से कोई हो ना हो, किसी और खानदान से हो, हमारा रिश्तेदार कोई हो ना हो, किसी और का रिश्तेदार हो, अगर मैं अपनी मुसलमान बहन भाई बच्चे किसी को तकलीफ में देखूंगी तो क्या करना चाहिए हमें? जितनी हेल्प कर सकते हैं फौरन कीजिए, एज सून एज पॉसिबल। और फिर क्या एक्सपेक्ट करें कि वो आपको रिवॉर्ड देंगे? नहीं, हकीकी रिवॉर्ड किसके पास है? मेरे अल्लाह के पास। और अल्लाह बेहतरीन तरीके से उसको लौटाता है। उस्मान बिन तलहा का हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कोई करीबी रिश्ता भी नहीं था। इन तमाम बातों के बावजूद
इनका हजरत उम्मे सलमा रजी ताला अन्हा को बाहिफाजत मदीने तक पहुंचाना और पूरा रास्ता इनके साथ नहायत शरीफाना और बाबकार बर्ताओ अल्लाह ताला की मदद थी और इस्लाम लाने का उनका जरिया बन गया था। आखिरकार दुखों मुसीबतों परेशानियों का एक तलातुम खेज समंदर पार करके हजरत उम्मे सलमा रजी ताला अन्हा मदीने में अपने महबूब और वफा शौर खावंद के पास पहुंच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चंद रोज बाद मक्का से हिजरत करके यहाँ तशरीफ ले आए, यानी पूरी फैमिली दोबारा इकट्ठी हो गई और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना आ गए। हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खुद एक जलीलुल कदर सहाबी थे। रमजान 2 हिजरी में जंगे बदर में शरीक हुए और बहादुरी के जौहर दिखाए। फिर शवाल 3 हिजरी में गजवा ओहद पेश आया तो दूसरे सहाबी के साथ इसमें भी शरीक हुए। एक जहरीले तीर से इनका बाजू जख्मी हो गया। इलाज से वक्ती तौर पर सेहत हो गई लेकिन कुछ दिन बाद ये जख्म फिर हरा हो गया और इसी की तकलीफ से जमादियुल उखरा 4 हिजरी में जान जाने आफरीन को सुपुर्द कर दी और मकाम शहादत पर फायज हो गए। इतनी मोहब्बत थी, सोचिए एक होता है कि आपका सिर्फ रिश्ता है, आपकी शादी हुई है, एक है कि आपको अपने शोहर से एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत है, आपने मुश्किलें साथ देखी हैं और उसके बाद शोहर की वफात हो जाए और कितने बच्चे साथ हों, 4 बच्चे साथ हो और जगह अपनी है, मुल्क अपना है नहीं, दियारे गैर में है, मदीना में है, कुछ भी पास नहीं है, तो हमारी माँ की कैफियत देखें और ऐसे लगेगा आपको जैसे एक पहाड़ों का दुखों का पहाड़ जो है ना एक बंदे पे टूट जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन नज़ा में आयादत के लिए जब तशरीफ राय हजरत अबू सलमा रजी ताला अन्हो के पास तो उस वक्त उनकी रूह निकल रही थी। उधर रूह से जिस्म का साथ छुटा, आपके दस्ते मुबारक से इनकी आंखों को बंद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखें बंद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान की रूह जिस वक्त उठाई जाती है तो इसकी आंखें इसके देखने के लिए खुली रह जाती है। कभी सोचें कि हमारी मौत आ गई है, फरिश्ता हमने देख लिया है, नजा का आलम आ गया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमारी रूह हमारे ही जिस्म से निकाल के ली जाइए, सिर्फ हम देख रहे हैं और कहते हैं जब तक दफन होता है, दफन होके कुछ टाइम तक जब तक के फरिश्ते नहीं आते इंसान सब कुछ महसूस कर रहा होता है जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है और कर कुछ नहीं सकता। सिर्फ इतनी सी औकात है मेरी और आपकी, ये मक्खियां मच्छर चिपकलियां चूहे कोई भी चीज से हम डरते हैं, हमारे प्यारे ही जब हमें मौत आ जाएगी हमें दफनाएंगे, आंसू बहाएंगे, अगर अच्छे हुए तो वो दुआ भी कर देंगे, शायद कुरान खानी कर दें, कुछ हमारे हक में बेहतर करें, सदका करें, लेकिन हमें छोड़ के चले जाएंगे और हम सब कुछ महसूस कर रहे होंगे, कुछ भी हमारे पास नहीं होगा, तो अपनी आखिरत की बहुत तैयारी कर लीजिए। रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना अबू सलमा रजी ताला अनहो के लिए दुआ मगफरत फरमाई और फरमाया ए अल्लाह अबू सलमा रजी ताला अनहो की मगफरत फरमा और हिदायत याफ्ता लोगों में इनका दर्जा बुलंद फरमा और इसके पसमानदगान के हामी बन जा और हमारी और इसकी बख्शिश फरमा, ए रब्बुल आलमीन और इसकी कब्र कुशादा फरमा और इसे मुनव्वर फरमा दे। कितने जबरदस्त कैरेक्टर होगा अबू सलमा रजी ताला अनहो का, कितने नेक सहाबी होंगे क्योंकि मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी अगर हम देखें तो इट वॉज नॉट अ स्मूथ रोड, एक रोलर कोस्टर है ऊपर नीचे। अबू सलमा रजी ताला अनहो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? रजाई भाई। और जब इनका इंतकाल हुआ, जब ये शहीद हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कितनी तकलीफ में हुए कि उनके रजाई भाई वफात पा गए। सईदा उम्मे सलमा रजी ताला अन्हा को अपने पहले शोहर अबू सलमा रजी ताला अन्हो से बहुत मोहब्बत थी। एक मरतबा उम्मे सलमा रजी ताला अन्हा ने इनसे कहा कि मैंने सुना है अगर मर्द और औरत दोनों जन्नती हों और औरत मर्द के बाद किसी से निकाह ना करे तो वो औरत जन्नत में भी इसी मर्द को मिलेगी, इसी तरह अगर बीवी पहले मर जाए
और शोहर दूसरी शादी ना करे तब भी दुनिया का ये रिश्ता जन्नत में भी बाकी रहेगा। आइए हम दोनों अहद करते हैं कि हम दोनों में से पहले जो फोत हो जाए हम दोनों में से जो पहले फोत हो जाए जिंदा रह जाने वाला दूसरी शादी नहीं करेगा। ये सुनकर हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, तुम मेरा कहा मानोगी? बीवियां कभी नहीं चाहती कि उनका शोहर दूसरी शादी करे, ठीक है? और ये कह रही है इतनी मोहब्बत करती थी कि वो चाहती थी कि आखिरत में भी जन्नत में भी वो ही उनके शोहर हो। तो कह रही है जो भी पहले मर जाएगा दूसरा दूसरी शादी नहीं करेगा। तो हमारे जो प्यारे सहाबी हैं हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो कह रहे हैं तुम मेरी बात मानोगी? हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मानने के लिए तो मशवरा कर रही हूँ, यानी मानूंगी इसलिए तो पूछ रही हूँ। सईदना अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर मेरा इंतकाल पहले हो जाए तो तुम निकाह कर लेना। और इसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ भी की, ए अल्लाह मेरे बाद उम्मे सलमा को मुझसे बेहतर खावंद अता फरमा जो ना इसे रंज पहुंचाए ना तकलीफ। मोहब्बत हमेशा लेने का नाम नहीं होती, देने का नाम। और उनके शौहर उनसे कितनी मोहब्बत कर देते, ये नहीं कह रहे हाँ मैं मर जाऊंगा तो तुम ऐसे बेवा रहना और तुम तकलीफ में रहना, दुआ दे रहा है। कौन सा शोर देता है जो आपसे राजी हो? जो नाराज हो वो तो नहीं देगा ना। और क्या दुआ दे रहे हैं? अल्लाह ताला इनको बेहतरीन शोहर देना मेरे बाद जो ना रंज दे और ना तकलीफ। खुदा का करना ऐसा हुआ कि हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया और मेरी समझ में नहीं आता कि इनमें से बेहतर इनसे बेहतर कौन हो सकता है। यहाँ तक के सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का पैगाम आ गया। सोच भी नहीं सकती थी ये बात। इतने शोर से मोहब्बत करती थी और शोर भी बहुत अच्छे थे कि कहती थी कि मैं कभी नहीं सोच सकती कि इनसे अच्छा शोर मुझे कौन मिलेगा, ये तो इतने अच्छे हैं। और जब दुआ भी दी तो उन्होंने कहा आपसे अच्छा कौन होगा, और हर वक्त इनके दिल में ये होता रहता था कि इनसे अच्छा कौन होगा, इनसे अच्छा कौन होगा। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते पे चले और अल्लाह की मखलूक को राजी करते जाए तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह बेहतरीन ना करे? इनका क्या निकाह हो गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और रुतबा क्या मिल गया? उम्मातुल मोमिनीन, सहाबी थी, क्या बन गई? तमाम उम्मत की माँ। कितना बड़ा रुतबा मिल गया अल्लाह ताला ने इनको, कितना खूबसूरत रुतबा दे दिया। सईदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए परदेश में शोहर की वफात बहुत बड़ा हादसा था, परदेश था, अब अपने लैंड में नहीं थी। अगर आप किसी जगह रह रहे हो ना और वाकफी हो तो वहां पे कुछ ऊपर नीचे चीज हो जाए फिर भी होता है लोग हेल्प करने वाले, लेकिन परदेश में है, शोहर की वफात हो गई, वो अपने शोहर को बेमिसाल शोहर समझती थी और इनके बाद इनसे बेहतर या इन जैसे शोहर मिलने की उम्मीद ही ना थी। सईदा कहती हैं, मैं अपने खावंद के मर्ग पर मैं चीखी और चिल्लाई। बहुत बड़ा एक अमल का नुक्ता हमारे लिए आ रहा है। बहुत मोहब्बत की शोहर ने, इन्होंने बहुत मोहब्बत की, इनके खावंद की डेथ हो गई, बेवा हो गई, चीखी और चिल्लाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम शैतान को इस घर में दोबारा दाखिल करना चाहती हो जिसे अल्लाह ने निकाल दिया है? तो मैंने रोना बंद कर दिया। तकलीफ इंसान को होती है तो चीख निकल आती है, लेकिन हमारा दीन हमें बैन करने का, अपने आप को मारने पीटने का, आहुजारी करने का हुक्म देता है, क्योंकि ये शैतान के काम। हम जब किसी की डेथ होती है हम क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ ही हमें लौट के जाना है। और अगर इस बात का यकीन होगा तो क्या हम चीखेंगे पुकारेंगे? अगर मुझे ये पता है कि ये दुनिया एक सफर खाना है, मैं आई हूं मुझे अपना सफर पूरा करना है और मैंने आगे चले जाना है, और आगे मैं जाऊंगी अगर मैं अच्छे काम करूंगी तो मैं अपने प्यारों से मिल जाऊंगी और एक अवधि जिंदगी में चली जाऊंगी, तो मैं रोऊंगी, तकलीफ होगी, आंसू निकलेंगे, दर्द होगा, आंसू निकलना, दर्द होना, ये ह्यूमन बीइंग होने की निशानी है। लेकिन आहो पुकार करना ये मुसलमान को जेब नहीं देता। और जो चीखते हैं चिल्लाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? क्या तुम शैतान को इस घर में दोबारा दाखिल करना चाहते हो जिसे अल्लाह ने निकाल दिया है? यानी शैतान इससे वापस आता है, क्योंकि जब चीखो पुकार करेंगे बैन करेंगे, औरतें अपना आप छोड़ देंगी, दुपट्टा कहीं और जा रहा है, खुद कहीं और जा रहे हैं, तो पकड़ रहे हैं आपको और फिर कहेंगी काश ऐसा होगा, काश ऐसा होगा। और काश का लफ्ज ऐसा है जो शैतान के ताले को खोल देता है,
इंसान गलत गलत बातें मुंह से निकालना शुरू हो जाता है। कुछ भी होता है किसके हुक्म से होता है, और कभी भी कोई भी ऐसी खबर हो जब नागवार गुजरे, कहते हैं फरिश्ते खड़े होते हैं साथ और फौरन लिखते हैं कि बंदा पहला लफ्ज क्या निकालेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से हम आए हैं और हमें कहाँ जाना है, अपने अल्लाह के पास। एक रिवायत में ये भी आता है कि जब हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हों का इंतकाल हो गया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि उनका इंतकाल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि तुम इस तरह दुआ करो, अल्लाहुम्मग़फिरली वलहू व आक़िबनी मिन्हू उक़बा हसनतन, ए अल्लाह मेरी मगफरत फरमा और इनकी भी और मुझे इनका अच्छा जानशीन अता कर। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मैंने आपके इरशाद के मुताबिक दुआ तो फरमा दी लेकिन मैं हर वक्त ये सोचती रहती थी कि उनसे ज्यादा अच्छा साथी मुझे कैसे मिल सकता। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल के वक्त हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हामला थी, प्रेग्नेंट थी। बंदा बहुत हार्मोनल चेंजेस से गुजर होता है, अप्स एंड डाउन से गुजर होता है और एक्सपेक्ट कर रही है और खबर आ गई है कि शोहर शहीद हो गए, कयामत नहीं टूट पड़ती। लेकिन उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, चीखो पुकार करें नहीं। जब वजाए हमल के बाद इद्दत गुजर गई, अगर कोई हामिला हो और उनके शोहर इंतकाल कर जाए तो उनकी इद्दत कितनी होती है, नहीं जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, डिलीवरी होती है तो इद्दत मुकम्मल हो जाती है। तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने निकाह का पैगाम भेजा। पहले कैसे, जैसे ही औरत बेवा हुई इद्दत खत्म हुई निकाह का पैगाम भेज देते थे, क्यों, शौक होता था शादी करने का, हेल्पिंग हैंड देना चाहते थे, वो एक पूरी फैमिली है जिसके चार बच्चे हैं, बेवा है, दियारे गैर में है, तो फौरन का के संभाली जाए। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने निकाह का पैगाम भेजा लेकिन सईदा ने इनकार कर दिया। बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अपने लिए पैगाम में निकाह दिया लेकिन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें भी इनकार कर दिया। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए तो उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल करने में मुझे चंद उजर है, यानी मैं पैगाम उनका कैसे एक्सेप्ट कर लूं, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आ गया, मना तो कर नहीं सकती, जात इतनी बड़ी है और उनका मकाम क्या है और उनकी तो रफाकत हर कोई चाहता है, लेकिन वो क्या कह रही है कि मेरे अंदर कुछ उजर है, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या कह रही है, मैं बहुत गैरतमंद हूं, मतलब कि मेरे जिसकी वजह से सोकनों के साथ रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मिजाज की थोड़ी तेज थी, गुस्सा जल्दी आ जाता, खुद बता रही है कि मैं निकाह इस वजह से नहीं करना चाहती, मैं आयालदार हूं यानी ये तीन बच्चे भी हैं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई लेकिन अब मुझसे औलाद पैदा ना होगी, मेरा कोई वली भी नहीं, खुद कह रही है मुझसे शादी ना कीजिए, मेरे में गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत गैरतमंद हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी औलाद नहीं होगी, मेरा कोई वली नहीं है। बेसिकली क्या है, मेरे से कुछ एक्सपेक्ट ना कीजिए, ऐसे ही है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बारी जाऊं मैं, इतनी कंप्लीट शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उन्होंने इरशाद फरमाया जहां तक मिजाज में गैरत ज्यादा होने का ताल्लुक है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा तुम्हारी गैरत वाली बात जाती रहेगी, यानी तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। दूसरी बात, तुम्हारे बच्चों का अल्लाह हाफिज है, इनकी परवरिश में तुम्हें कोई दुश्वारी ना होगी, मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है, ये कोई उजर नहीं है, रहा मामला वली का तो तुम्हारा कोई वली मेरे साथ रिश्ता हो जाने को नापसंद नहीं करेगा। इस पर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा ए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, उठो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह कर। जो लोग कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बीवियां थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां की,
वो ये भी तो देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन औरतों से शादियां की और उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की और क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे लिए सेट की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हो गया और कहा जाता है कि शवाल 4 हिजरी के आखिरी दिनों में ये निकाह हुआ। अब हक मेहर की बात आ गई। आज मेरी बच्चियों को पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी हो गई कि कहते हैं पहले पता नहीं कितने लाख हक मेहर लिख के दें, एक घर हमारे नाम कराएं, फलाना खर्चा बांधे तो तब ही शादी होगी। इसमें शादियां ही नहीं हो रही, शादियां की नहीं जा रही, और माँ बाप पता नहीं क्यों इतने सिक्योर हो गए कि अल्लाह की जात पे उनको भरोसा ही नहीं रहा। मेरी माँ, हम सब की माँ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हक मेहर क्या है, एक बिछोना। बिछोना होता है कोई भी चीज ऐसी थी जिसको बिछा के लेटा जा सके, एक बिछोना, एक प्याला, एक प्लेट और एक चक्की। एक बिछोना, एक प्याला, एक प्लेट और एक चक्की, बस। और जब इनका निकाह हो गया तो इनको रुखसत करके कहाँ लाके कहाँ पे रखा गया, हजरत जैनब बिनते खुजाइमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो कि उस वक्त वफात पा गई थी, उनके घर में वो आई। हम लोग कितने सुपरफिशियल, कितने अजीब लोग हो चुके हैं कि अगर सोचें, खुद सोचें, मैं खुद अपने लिए सोच रही थी, आप लोग हो सकता है मुझसे बहुत बेहतर हो, कि अगर कोई ऐसा प्रपोजल आए और कहे कि ये चीजें हैं, बंदा खौफे खुदा रखने वाला हो, बहुत नेक हो, लेकिन हम सिर्फ ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, हम लोग सोचेंगे भी, हम कहेंगे नो। लेकिन हमारी माएँ तो ऐसी नहीं थी, वो तो अल्लाह पे तवक्कल करने वाली थी। और जब रुखसती हो गई तो देखिए कि आगे क्या हो रहा है, ये उससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आज शादी होती है तो कहते हैं जब तक दुल्हन की मेहंदी नहीं उतरेगी वो घर के कामों को हाथ नहीं लगाएगी, और अगर उसने हाथ लगा दिया तो उसकी माँ कहेगी हाय हाय मेरी बेटी से काम कराते हैं, ये देखो कैसे जालिम लोगों से पाला पड़ गया है। और अगले ही दिन अगर किसी ने काम कह दिया और उसको एक बर्तन भी धोना पड़ गया तो वो तो जालिम ससुराल वाले हैं, है कि नहीं, है ना। और हमारे जहन में भी क्या है, क्या जब हमारी शादी होगी हम 1 महीने तक, तो जब तक मेहंदी नहीं उतरेगी हम तो काम नहीं करेंगे, हम तो नहीं हाथ लगाते। अब मेरी माँ का किरदार देखिए, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करती थी और इस बात का बड़ा ख्याल रखती थी कि किसी लम्हे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली ना हो पाए। चुनाचे सईदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के फौरन बाद घर आई और आपके घर का काम काज संभाल लिया, इसकी परवाह किए बगैर कि आज वो दुल्हन बनकर आई हैं, आज खिदमत के लिए औरों को आगे आना चाहिए, मगर नहीं, उन्होंने खुद आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खिदमात शुरू कर दी। मुतलिब बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि सरजमीन अरब की ये बेवा खातून यानी सईदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सईदुल मुरसलीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मगरिब के वक्त दुल्हन बनकर दाखिल हुई और रात के आखिरी हिस्से में वो चक्की पर आटा पीस रही थी। शर्म से डूबने का मकाम है मेरे लिए, मेरी माँ मगरिब के वक्त घर में आई, दाखिल हुई दुल्हन बनके और रात के वक्त बैठ के चक्की पे आटा पीस रही, और कहते हैं खुद उन्होंने खाना पकाया। और खाना क्या था, कुछ उन्होंने गेहूं पीसा, उसमें थोड़ा सा घी डाला, जो भी अवेलेबिलिटी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना। आज हमें बड़ा शौक है हमारे शौहर बहुत अच्छे हों, लेकिन हमें ये शौक नहीं है कि हम अच्छी बीवियां बने। कोई नखरा नहीं है, कुछ नहीं है, खुद आई और घर का काम एक ही टाइम पे संभाल लिया, और मेरे और आपके लिए लर्न करने के लिए इतना बड़ा पॉइंट है। शादी होके अपने घर जाते हो ना, अपने घर को ओन करो। जैसे ही आपने निकाह कर लिया, आपने साइन कर लिए, आप किसी की बीवी बन गई तो क्या करेंगे, हम काम नहीं कर सकते। तो बेटा आपको अगला बंदा क्यों लेके जा रहा है कि वो घर संभाले ना आप। मैं तो यहां तक कहते हुए सुना है लोगों से कि काम नहीं हो करेंगी, घर का काम नहीं करेंगी, आप मेड्स रख के दें। अगर अल्लाह ने आपको दिया जरूर रख करें, लेकिन याद रखिए जो निजाम घर की औरत संभाल सकती है ना,
वो नौकर नहीं संभाल सकते, तो बंदा नौकर ही रख लेना, उसको क्या जरूरत है कि वो शादी करे। और शौहर का काम खुशी से करे। जब आपकी शादी हो जाती है, शौहर आपका बन जाता है कवाम। कवाम होता है हिफाजत करने वाला, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी लेने वाला, तो हर तरह से उसका ख्याल रखना। उसके घर एक बीवी पे फर्ज है, और हमारी माँ ने हमें बड़ा अच्छा लेसन दे दिया। मेरी शादी अगर भी होने वाली होती तो मैं कोशिश करती कि इस पे अमल करूं, लेकिन जिनके भी नहीं हुई वो अपनी माँ को जहन में रख के बेहतरीन अजर व सवाब कमा सकती हैं। सईदा उम्मे सलमा की गोद में छोटी बच्ची जैनब थी, यानी वो छोटी थी, वो दूध पीती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते तो मुस्कुराते हुए फरमाते, नन्नी जैनब कहाँ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्नी जैनब को मोहब्बत और शफकत से गोद लेते और इसके साथ खेलते और नहायत मेहरबानी से पेश आते। एक मरतबा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के रजाए भाई हजरत अमार बिन यासिर तशरीफ लाए और नन्नी जैनब को इनकी वालिदा की गोद से लेते हुए कहा, इसे छोड़िए, आप इसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दे रही हैं, इसलिए दूध पिलाने वाली का इंतजाम कर दिया गया। हमारी माँ जो थी बहुत हया वाली थी, और जब एक रिश्ते से होके गुजरे हुए हैं और एक शौहर पहले थे जिनसे बहुत मोहब्बत थी, तो टाइम लगता है मिंगल होने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कितना नरम है, उनकी बेटी को प्यार कर रहे हैं, उनकी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती का एलिमेंट नहीं है किसी भी तरह की, और उसको प्यार कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ना बहुत हयादार थी, लेकिन बाद में आप रजी अल्लाह ताला अन्हा इसी तरह रहने लगी जिस तरह दूसरी बीवियां रहा करती थी। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो इन्होंने इनका तरीका जिंदगी अपना लिया। ये नहीं कहा कि मैं तो पहले ये करती थी, मैं तो पहले ऐसे रहती थी, मेरा पहला शौहर ऐसे करता था, हम तो ये करेंगे। उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका जिंदगी अपना लिया। तो हमारी हमें क्या चाहिए, हम अपने शौहरों की उनके खानदान वालों के उनके घर वालों के जिंदगियों को एडॉप्ट करें। अब मेरी बहनें बहुत नाराज भी होती कि आप हमें कहती रहती हैं, तो जो मेरे भाई हैं वो भी तो ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैसे था, कि वो एक दूसरे पहले शोहर की बच्ची को कितनी मोहब्बत दे रहे थे, कंफर्ट दे रहे थे, अपनी बीवी को कितना स्पेस दे रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको टाइम दिया उन्होंने कि वो मेंटली स्टेबल हो, मेंटली मिंगल करें। ये नहीं कहा कि आज से तुमने ये करना है, क्योंकि ढलते ढलते औरत ढल जाती है। तो एक फैमिली यूनिट शोहर और बीवी को मिला के बनता है। तो अगर आप मेरे प्यारे भाइयों को उम्मातुल मोमिनीन जैसी बीवियां चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, कोशिश चले हो सकती है, अच्छी मुसलमान बीवी चाहिए, तो खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा उनको। अब इस निकाह में क्या मसलहत थी, अगर इसको देखें, पहला सबब क्या था कि एक घराना जो कि दयारे गैर में है, जो ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई भी नहीं है, बच्चे भी यतीम है और बहुत निढाल है औरत, एक वो प्रेगनेंसी से गुजरी है, डिलीवरी से गुजरी है और एक ऐसी अजीब कंडीशन में है, उसको क्या दी जाए, प्रोटेक्शन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको प्रोटेक्शन दी। दूसरा सबसे बड़ा सबब ये था कि अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके फूफी के बेटे और आपके रजाई भाई भी थे, इनके छोटे छोटे बच्चे थे, इनकी किफालत और तरबियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की वालिदा से निकाह कर लिया, ताकि बच्चे जो हैं वो रुले ना, बच्चे जो हैं वो इग्नोर ना हो, ये भी एक रीजन था। तीसरा सबब यह था कि सईदा उम्मे सलमा रजी ताला अन्हा की कौम बनू मखजूम को इस्लाम की दावत दी जाए, और ये रिश्ता नहायत कामयाब रहा क्योंकि बहुत से उस कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। चौथा सबब यह था कि सईदा उम्मे सलमा रजी ताला अन्हा बड़ी अक्लमंद, बहुत सही राय देने वाली खातून थी, और वो नाजुक मामला में बहुत अच्छी राय देती थी, और इसका हम आगे देखेंगे कि उनकी राय कितने बेहतरीन मौकों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम आई। ये निकाह इस्लामी माशरे की रहनुमाई के लिए मुफीद साबित हुआ कि सईदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहादीस देखी और उनको रिवायत किया। हदीसों में सबसे ज्यादा अहादीस हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ही बयान की। सुलह हदीबिया का वाक्य हम सबको याद है, जब सुलह के लिए मुसलमान गए, बेसिकली उम्रे के लिए जा रहे थे, तो रोक दिए गए।
तो वहां पे सुलह हुदैबिया में जब तहरीरी उनका मौईदा हो गया तो उस वक्त मुसलमानों का रद्दे अमल क्या था, परेशान थे, गुस्से में थे, ये क्या हुआ कि जंग भी नहीं हुई, हम उमरा भी नहीं कर सके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सारी बातें मान ली। ऐसा था ना, सहाबा जो थे वो गमगीन थे। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह पे साइन कर दिया और फिर सहाबा को कहा कि उठें, एहराम खोल दीजिए, कुर्बानी कर दीजिए और सर मुंडवा ले, वो सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान छिड़कते थे, कोई भी नहीं उठा। और ना उठने की वजह ये नहीं थी कि वो उसको उनको डिसओबे कर रहे थे, वो गमगीन थे, दिल बोझल था। तो वापस आए खैमे में और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। और कौन सी बीवी कैसे जाएगी ये कैसे डिसाइड करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किसको याद है, कौन बताएगा कौन सी बीवी कैसे थी ये कैसे सल्लम डिसाइड करते थे? कुरानदाजी कराते थे। जी, कुरानदाजी की निकालते थे, जिसका नाम निकलता था वो उस सफर में उनके साथ जाया करती थी। तो इन्होंने, इनका नाम था, ये इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। तो उन्होंने क्या कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुलह मुसलमानों पर बहुत शाक गुजरी है जिसकी वजह से वो बहुत अफसरदा दिल और शिकस्ता खातिर हैं, इस वजह से तामील और इरशाद नहीं कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी से कुछ ना फरमाएं, बल्कि बाहर निकलकर कुर्बानी करके सर मुंडवा लें, वो खुद आपकी इत्तबा में ये सब काम करेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करते ही सब ने कुर्बानी शुरू कर दी और सर मुंडवा कर एहराम उतारा। हजूम का ये हाल था कि एक दूसरे पर टूटा पड़ता था और उजलत इस कदर थी कि हर शख्स अपनी और दूसरे की हिजामत बनाने की खिदमत सरंजाम दे रहा था। और अगर ये राय उस वक्त ये ना देती बल्कि कहती कि हाँ ये तो आपकी अतात नहीं कर रहे, अब ये देखें ये कह रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ता कितनी दोनों चीजों में। तो ये सही राय देने वाली थी। और अपनी माँ से फिर हमने क्या सीखा कि सही राय देना बहुत जरूरी है, मशवरा जो है इमानत है। अगर कोई आपसे मशवरा मांग, पहली बात है मुफ्त के मशवरे ना दीजिए, प्लीज ना दीजिए, किसी को जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई मांगे तो वो मशवरा दीजिए जो सही है, जो आप अपने लिए पसंद करेंगे। सईदा उम्मे सलमा की उम्र 80 साल से तजावज कर गई थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुलफाए राशिदीन का जमाना देखा और यजीद बिन माविया के दौर तक आपकी जिंदगी दराज हुई। इब्ने साद ने आपकी उम्र 84 साल बयान की है, लेकिन डिफरेंट राय हैं इनमें कि आपकी उम्र कितनी थी। आपकी नमाज जनाजा सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने पढ़ाई मदीना मुनवरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकई या जन्नतुल गरकत में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन हुई। आपके दो बेटों सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लहद में उतारा। तमाम उम्मातुल मोमिनीन में आप सबसे आखिर में इस दुनिया से रुखसत हुई। इन पर अल्लाह की हजार रहमतें। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक नबी की बीवी होने के नाते बहुत फयाज थी, उनकी तबीयत बहुत फयाज थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक तबरुकात जो वो छोड़ गए थे उनकी ज़ियारत लोगों को करवाती थी, यानी जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके पास रह गई थी उनकी ज़ियारत लोगों को कराती थी। सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुन्नत और शरीयत की हद दर्जा पाबंद थी और इसकी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करती थी और फौरन टोक देती थी। हमारी तरह नहीं थी कि दिल में बुरा जानती रहे, ज़बान से कहें कोई बात नहीं कर लें, जब कोई बात शरीयत के खिलाफ होती थी फौरन टोक देती थी। सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक खास इल्मी मकाम था, चुनाचे आपने 387 रिवायात मरवी की, 13 अहादीस जिसमें मुत्तफिक इले हैं यानी तमाम लोग उनको मानते हैं, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अहादीस का बहुत बड़ा जखीरा सहाबा ने, सहाबियात और खास तौर पर अजवाज मुतरात ने इनसे हासिल किया। इनमें सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम सरे फहरिस्त हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो,
दरियाए इल्म होने के बावजूद इनके दरियाए फैज से बेनियाज ना थे। ताबईने कराम की एक बड़ी जमात इनके आस्ताने आलिया पर हाजिर रहती थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर कुरान पढ़ सकती थी, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे वैसे वो कुरान पढ़ सकती थी। एक मरतबा किसी ने पूछा, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कर किरात करते हैं? बोली, एक एक आयत अलग अलग करके पढ़ते थे, इसके बाद खुद पढ़कर सुनाने लगी। हमारी माँ उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नेक थी, सवाब के कामों में तेजी करती थी और सवाब करने के लिए मुतलाशी रहती थी। ये नहीं कहती थी कि हाँ जब कोई वक्त आएगा कर लेंगे, बल्कि तलाश करती थी कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर लूँ। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में ही आयत तत्हीर नाजिल हुई। ये कुरान करीम की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है और ये मेरी बहुत ही फेवरेट आयत है, जिसमें अल्लाह सुबहानो ताला फरमाते हैं, वकरना फी बयूतिकुन, और अपने घरों में करार से रहो और कदीम जहालियत के जमाने की तरह अपने बनाओ का इजहार ना करो और नमाज अदा करती रहो और जक़ात देती रहो और अल्लाह और इसके रसूल की अतात गुजार रहो। अल्लाह ताला यही चाहता है कि ए नबी की घर वालियों, तुमसे वो हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। हमारी माँ इतनी पाक साफ, इतनी आला किरदार की थी कि उनके घर में कुरान मजीद की आयत नाजिल हो रही है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33। उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ, ये थी सीरत हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। सादत से भरपूर थी उम्मे सलमा, भलाई से मामूर थी उम्मे सलमा, अहदीसे कसरत से मरवी हैं इनसे, फकाहत में मशहूर थी उम्मे सलमा। वतन छोड़ा हबशा गईं और मदीने, गमे दी से मजबूर थी उम्मे सलमा, अबू सलमा और सलमा दोनों जुदा थे, अबू सलमा और सलमा दोनों जुदा थे और इनसे बहुत दूर थी उम्मे सलमा, रहे उम्मे सलमा से राजी मोहम्मद, मोहम्मद से मसरूर थी उम्मे सलमा, खुदा की थी मकबूल बेहद जबी तो, खुदा की थी मकबूल बेहद जबी तो, नबी की भी मंजूर थी उम्मे सलमा। कहें क्यों ना माँ इनको अपनी अमातुल, अरे उम्मे पुरनूर थी उम्मे सलमा, अरे उम्मे पुरनूर थी उम्मे सलमा। अल्लाह सुबहान ताला हमारी माँ को बेहतरीन दर्जात दे और हमें तौफीक दे कि हम अपनी माँ की तरह हो जाएं। हमारा हर हर कदम अपनी माँ के कदमों की तरह हो जाए, हमारी नज़र अल्लाह की रजा पे रहे ना कि लोग क्या कहें इस पे रहे, और हमारा अल्लाह हमसे राजी होए और क़यामत के दिन उस रोज़े महशर में जब हमारी माँ हमारे सामने खड़ी होंगी, अल्लाह हमारा किरदार ऐसा कर दे कि हम प्राउडली उन्हें देख के कहें कि मेरी माँ, मैंने आपके नक्शे कदम पे चलने की भरपूर कोशिश की और हर हर वक्त में आपके किरदार को सामने रखा। अल्लाह सुबहान ताला आप से मुझसे राजी हो। अल्लाह सुबहान ताला फ़लस्तीन में जो हमारे प्यारे मुसलमान बहन भाई, हमारी प्यारी बहनें, हमारे प्यारे बच्चे इस वक्त जो सख्त तकलीफ में मुब्तला हैं, अल्लाह सुबहान ताला उनके लिए आसानी करे। अल्लाह सुबहान ताला हमें भी ऐसा कामिल मुसलमान बना दे जो कि अपने घर वालों की शहादतें देख कर भी लबैक कह रहे हैं, अल्लाह की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते हैं और अल्लाह की मदद के, सिर्फ अल्लाह की मदद के इंतज़ार में हैं। या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को बेहतरीन तरीके से उनकी मदद कर सकें। कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआगो ज़रूर हों, कुछ नहीं कर सकते तो तेरे हजूर गिर गिरा के दुआ कर ले कि मेरे अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान कर ले। या अल्लाह गैब से उनकी मदद कर दे। या अल्लाह या गफूर रहीम, हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत मोहताज हैं। या अल्लाह हमें हकीकी मुसलमान बना दे। या अल्लाह हमें बना दे। या रब्बुल इज़्ज़त या गफूर रहीम या अरहमुर रहीमीन, हमें ऐसा बना दे कि कल कयामत के दिन जब हम तेरे हजूर हाजिर हों तो तू हमसे राजी हो जाए। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जाए। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जाए। या अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर करना। या अल्लाह हम सबको इस्तकामत देना। या अल्लाह या गफूर रहीम हमसे राजी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।